लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। काम करेगा मेरे लिए, उसी के लिए तो आया हूं। कितना मांगते हैं? आप बोला है ना, आप बोलो। 10 तेरे को और 5 तेरे साथियों को। उतना तो हम लोग वैसे बना लेते हैं, फिर आपके साथ काम करने का फायदा क्या? असलम भाई की गैंग में आने का मतलब जानता है? सड़क छाप काम नहीं होता है, बड़ा गेम होता है। और कभी भी किसी का भी गेम बच सकता है। मौत से डरता है? मैं किसी से नहीं डरता। चल अपना 20 कर ले, इनका 10, बात खत्म। बाकी पंडित जी समझा देंगे। जोसेफ, गाड़ी निकाल। काम का है? अरे मलिक भाई, आपसे पलट के बात कर रहा था, वो बहुत अकड़ है साले ने। अबे अकड़ इसलिए क्योंकि वो जानता है कि वो काम का है। चंदू भाई, मेरे को लगा कि तेरा भेजा हट गया। उस मलिक भाई के सामने ऐसा पलट के बोला कि अपन को लगा कि अपन सब गए वहीं के वहीं काम। हाँ योगा साला घर में। हाँ वो मलिक फिर भी ठीक है, पर वो जो साला उंगली क्या मुझे चुम्मे के औलाद साला। यादव नाम है उसका। अबे यादव हो या फर्नांडिस, साला मेरे इस पे साला मन कर रहा था वहीं के वहीं साला नीचे से चाकू घोंप कर रहा था या लपेट लपेट कर बाहर निकाल दूं साले की। ए होश में रह, अभी काम चालू हुआ नहीं, इसकी हीरोगिरी चालू होगी। दिखाऊं क्या हीरोगिरी साला तेरे को मैं? दिखाऊं? पटना एक बात ध्यान से समझ लो, मस्करी के दिन का है अभी। बड़े गेम में घुसना है तो बच्चों की तरह फुदकना बंद करो, वरना उड़ने से पहले उड़ा दिए जाओगे। यार चंदू, क्या जरूरत है अपन को किसी और के नीचे काम करने का? देखो ना, कोई किसी के नीचे काम नहीं कर रहा है, उनको हमारी जरूरत है और हमको उनकी। अपने को बड़ा काम करना है और इस शहर में बड़ा काम सिर्फ उनके पास में। और हाँ, काम उनका है मगर दाम अपना। और वो कौन है कैसे हैं ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, जब तक अपन एक साथ हैं वक्त आने पर किसी को भी देख लेंगे। क्यों रे पप्पू, तू काहे को थोपड़े पे ताला लगा के बैठा है? अपने को क्या बोलने का है, तू जो बोलता है वो करने का है बस। क्यों आरसी? हाँ पर साला मैं उस चूमे के औलाद को छोड़ेगा नहीं। फिर वही का वही। अरे कोई इसके माथे पे लिखो मेंटल वासी दगड़ी का पागल। क्या बोला तू साला? क्या बोला? मेंटल बोलता है साला। चुप होता है तू, हर किस में से है साला? मैं बताता हूं, चल ताली बोलता है। तू भी बैठ। क्या है? हां क्या देख रहा तू? चल बैठ बैठ। आज तक आजकल मेरे को बहुत टाल रहा है तू। आ एक पोके के लिए तेरे को जिंदगी भर फोन करता रहूं क्या? मलिक भाई किधर है? हाँ मलिक भाई किधर है? ए माँ, ऐसा थोड़ी होता है, डेंजर का क्या है? आदमी तो सड़क पार करते करते लुढ़क सकता है कि नहीं? ये तो उम्मीद से भी डबल निकला। कौन? चंदू। क्या किया मालूम? अब जानते हैं चंदू ने चोपड़ा के साथ क्या किया? ए, बोला इसमें मलिक भाई से क्या बात है? वो पैसा बनता है वो निकालो सीधा। ऊपर नीचे करना पड़ा आगे साले का, पर पैसा आगे से टाइम पे आएगा। ठीक है अब बैठना पड़ेगा उसके साथ एक जोड़ रही है, प्यार मोहब्बत की बातें करके वापस लाइन पे लाना पड़ेगा। क्यों? खास आदमियों के साथ हमेशा रिश्ता बनाए रखना चाहिए,
जब हम जानते हैं कि खास आदमी है तो आप यहाँ तक क्यों पहुंचे? इसलिए कि खास आदमियों को यह भी याद दिलाना चाहिए कि वो कभी भी आम हो सकते हैं। तुम तो खामखा किसी को भी भाव देते रहते हो। चंदू की बात कर रहे हो? नहीं, किसी को भी। ये चंदू कहाँ का है? 47 है। ओके। अब साले घर बैठ के वीसीडी पे देखते हैं। अरे अच्छी पिक्चर बनेगी तो काहे को नहीं आएगा, उसमें फाइट डांस मावा सब डालने का। बस इस बार इससे बनवा लो। चिपना ढक्कन। सला, तू चंदू है? मुबारक भाई, आपका माल तैयार है। लेकिन ये तो 4 पेटी है। 6 बोले थे ना? मलिक भाई ने सिर्फ 4 देने के लिए बोला है। ये मलिक भी, तू 2 डिब्बे निकाल, मलिक से मैं बात करूंगा। पहले आप मलिक भाई से पूछ लो। मैंने कहा ना, आपके कहने से कुछ नहीं होएगा इधर, जो मलिक भाई बोलेंगे वही होएगा। ए, क्या है भाई बोल रहा है ना है? डाल दे। भाई ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? मुबारक भाई, कुछ नहीं हुआ। वो क्या है कि गिनती में 2 डिब्बे ऊपर नीचे हो, तुम अभी मेरी दुकान पे 4 ले जाओ, कल दोपहर तक मैं 2 देता हूँ, ठीक है? भाई भाई आ जाओ। ए, इधर ही चुप रहो, मैं संभालता हूँ। क्या क्या चल रहा था उधर? किधर? कौन थे वो लोग? तेरू क्या? ए, बीड़ी निकल, बीड़ी निकल के बात कर। तो बात क्यों कर रहा था उनसे? बात कौन कर रहा था? मैं तो माचिस ले रहा था। माचिस? इतने हड़बड़े में कहाँ गए वो लोग? मेरे को क्या मालूम, जल्दी होएगी, जाके पूछ लो उनसे। अच्छा, इतने रात में इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? पिक्चर देखने आया था। पिक्चर? क्यों, पिक्चर देखना मना है क्या? इसे अंदर लो, तेरे को मैं पिक्चर दिखाता हूँ। अंदर लो। ए, चल बस, चल चल अपने बस। ए, चल चल बस। पिक्चर देखने का शौक है तुझे? बोल। पिछले 2 साल से अप डाउन कर रही है वो गधी है क्या? हाँ मलिक, ये ले चल फुट। क्यों साहब, आज हमारी याद कैसे आ गई? कल रात का लफड़ा तो सुना ही होगा, अपना एक लड़का पकड़ा गया है। हाँ सईद बता रहा था, बड़ा तीखा है। सर ने तो साले को पुलिस वाले खुद ही सीधा कर देंगे फ्री में। अपना लड़का है, अपना काम करते हुए पकड़ा गया। हम नहीं निकालेंगे तो बाकी लड़के क्या सोचेंगे? तू क्या चाहता है? मैंने पता किया, वो इंस्पेक्टर राठौड़ बहुत खाता है, तुम्हारे ठाकुर का खास है। ठाकुर साहब है।
हाँ ठाकुर। मलिक भाई पहली बार घर आए, एक कप चाय पी के जाओ। इधर था जिंदर, ना आता ना पता, फोन नहीं कर सकता था क्या? फोन नहीं कर सकता था? अब मैं बताता हूँ मलिक, मुझे बस बस। अरे मलिक भाई आए। कौन? अरे मलिक भाई, अरे नौकरी बताया था ना। अंदर आइए अंदर। पहले से बता नहीं सकता था क्या? चलिए। बहुत दिन से पानी नहीं आना इसीलिए कपड़ा। ए चंदू बैठने देना, पहले से मालूम होता तो खाने का सामान लेके आती, ये खाली खाली। उसकी कोई जरूरत नहीं। मैं अभी अभी चंदू को बोल रहा था, पंडित जी को बोल के आपके लिए एक फ्लैट देखते हैं, कुछ बिल्डर हमारे खास दोस्त हैं। पता है। हेलो। अस्सलाम जी। नया छोकरा है ना चंदू, उसे लेके फौरन मेरे पास चला। मुझे और चंदू को कहीं जाना है, तुम्हारे लिए दूसरी गाड़ी भेजता हूँ, चल। क्या समझा? इधर से ना गोली बाहर, इधर से जान बाहर। मैडम के लिए दूसरी गाड़ी आ रही है, तू यहाँ रुक। भाई मलिक भाई, ये अचानक किधर? असलम भाई के पास। चंदू ठीक से तो काम कर रहा है ना? मैं तो हमेशा बोलती हूँ मन लगा के काम किया कर। वो मुझसे बोलता नहीं मगर हमेशा मलिक भाई का बहुत बहुत इज्जत करता है। मलिक भाई भी बहुत कम लोगों पे भरोसा करता है। ये नुकसान करता है, छोड़ दो कभी कभी। लेकिन ये सईद है कौन? बहुत पहले से असलम भाई के पास है। सईद, उसका भाई अनीस, शर्मा, लतीफ, शंकर, अपनी तरफ का धंधा उठ रहा है तो सुलग रही है सालों की। क्या बोलती है असलम भाई? चंदू बहुत भूख भरी है तेरे में। असलम भाई इसने वही किया जो कहा गया था, मार्केट रेट धोखा जा रहे, मुबारक हमें बेवकूफ बना रहा था। चाहो तो पटेल से पूछ लो, अगर सईद को मालूम नहीं है तो पूछ लेने से इज्जत नहीं गिर जाएगी। मलिक मैंने तुझे फोन किया था, 25 बार कह चुका हूं कि धंधे की बात फोन पे नहीं। असलम भाई आप तो जानते ही हैं कि पुलिस जगह जगह फोन टैप कर रही है। तेरे कहने का मतलब है कोई भी आरा गहरा मुझसे ऊंचे सुर में बात करेगा, और ये सुअर मुझे गाली देगा, मुझे माँ बहन की गाली देगा। ये सवाल झूठ बोलता है। ए? भाई गाली देगा अभी क्या हुआ? चंदू चल बाहर जा, चल बाहर जा। इसकी तरफदारी कर रहा था? तरफदारी इसलिए कर रहा था ताकि वो हमारी तरफ रहे। मौके पे कौन खड़ा रहा और कौन निकल गया ये सबको पता है। ऐसे लड़के रोज रोज थोड़ी मिलते हैं असलम भाई, हमने निकाल दिया तो कोई और रख लेगा, फिर वो उसकी तरफ से बोलेगा तब क्या करेंगे? वैसे भी अगर आपको लगता है कि उसने कुछ ऊंचा नीचा बोला है तो मैं माफी मांगता हूं, माफ कर दो। आपने तो कुछ कहा ही नहीं। क्या कहूं, ठीक ही तो बोलकर गया है वो। तुमसे तो कोई काम बिना चिकचिके होता नहीं, खुद के हाथ टूटे हुए
और कोई दूसरा आदमी काम करता है तो उसके रास्ते पे पत्थर फेंकते हो। एक तो यहाँ पहले से ही तकलीफ है, ऊपर से तुम लोगों के लफड़े खत्म नहीं होते। साला कल से कमर पर हथौड़े पड़ रहे हैं, ऊपर से ये दवाइयाँ ये पेट में आग लगा रही हैं। अरे ओ अब्दुल, क्या आया? दिखाई नहीं देता, ये खिड़की बंद कर। ये बुढ़ा सच गया भाई, मन तो कर रहा था साले की कमर तोड़ दूं। अरे सत्या उठा है, कुछ नहीं है, साफ साफ फलिक की तरफ जा रहा, देखा नहीं तूने? और फिर? फिर क्या, या मलिक या हम। मैंने भी यही सोचा। फर्क सिर्फ इतना है कि तुमसे पहले सोचा। देख मलिक, अंदर जो हुआ वो बात अंदर की नहीं, बात आगे की है। देख मलिक, हमारे धंधे में बहुत पैसा है, हम चाहे तो दोनों खा सकते हैं। ये बार बार का झगड़ा बंद करते हैं, बांट देते हैं इसे, हैं? तुम्हारे हाथ में बंदूक होती तो क्या तुम बांट लेते? देख मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तू मुझे जिंदा छोड़ने की गलती नहीं कर सकता, लेकिन हम लोगों ने कई साल साथ में काम किया है, उसके खातिर रहम खा, ये मेरे भाई को छोड़ दे। तुझे अच्छी तरह से मालूम है कि ये मेरे बगैर गैंग नहीं चला सकता, ये कोई भी धंधा कर लेगा, ये सब छोड़ देगा यहाँ। मलिक भाई मैं क्या, हम दोनों ही मिलके कुछ कर लेंगे। मलिक भाई चुकर। घर में एक जिंदा रह जाएगा तो दोनों घर चल जाएंगे। मेरे भाई को जाने दे, हैं? जाने दे। ठीक है, मलिक भाई। ए भाई। केकरे के साथ 10-12 लड़के सीरी जंक्शन पे भेज दीजिए। मलिक भाई, आपने तो सईद को बोला था कि आप उसके भाई को नहीं मारेंगे, फिर काय को? चंदू, सईद जरा खुश मरा तो मेरा क्या गया? उसका भाई अभी डरा हुआ था, लेकिन घर जाते ही बदले पे उतर था, और उसके घर वालों से ज्यादा मुझे अपने लड़कों की फिक्र है। अभी किधर? शर्मा, एक वही आदमी लफड़ा कर सकता है। क्या मलिक, अभी भी आता है? शर्मा को मारने आए, खून खराब नहीं चाहिए। राठौड़ साहब। और हीरो कैसे हो? अचानक या कैसे? तेरी शक्ल देखने थोड़ी आया हूं, झगड़े का माल आ रहा है पुणे से।
दहशत उतरेगा। और राठौड़ साहब, बहुत नोट पीट रहे हो। पीटना तो हमारा काम है, पहले इसको पीटा, अब नोट पीट रहे हैं। हाँ बोल। ये क्या हो रहा है? इन लोगों ने शहीद अनीस को मार डाला, अब क्या करेगा तू? मुझे क्या फर्क पड़ता है, पैसा इनसे मिले क्या, तुमसे मिले क्या? मलिक भाई मेरे को छोड़ाने का है। क्या? मेरे को उसको मारने का है बस। क्या बोला? पुलिस को मारेगा इसको? अबे क्या बोल रहा है, क्या पकड़ा है तू? पुलिस को मारेगा तू? अबे साले पुलिस स्टेशन में की हुई धुलाई भूल गया क्या? पुलिस को मारेगा? मार के दिखा, ये पुलिस को मारेगा? हट। अबे मेरी गन गन भूल के आया वरना यही भून देगा तेरे को, समझा? धमकी देता है सड़क छाप। अबे मार, पुलिस को मार, पुलिस को मार, मार के दिखा साले, हिम्मत है तो मार के दिखा। मार दे। जेल में की हुई धुलाई भूल गए? सईद और अनीस भी गए। असलम भाई की हालत तो तुम भी जानते हो, फैसला तुम्हारे हाथ में। मेरे साथ काम करना है या चंदू? चारों लाशों को असलम भाई, असलम भाई मैंने सईद और शर्मा को मार दिया। नहीं नहीं आप लेटे रहे, और कोई चारा भी नहीं था। अगर मैं उन्हें नहीं मारता तो वो मुझे मारते थे, और अगर मैं आपको बताता तो आप मुझे मारने नहीं देते। इसलिए मैंने आपको बताए बिना। असलम भाई अब आप आराम करें, आपने इतना काम किया, धंधा यहां तक पहुंचाया और हम सबको भी। अब आप तबीयत संभालें और मैं धंधा संभालता हूं।